बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भरे गए नामांकन पत्रों की जांच की गई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया, क्योंकि बसपा प्रत्याशी पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र में सेवा में बर्खास्तगी के संबंध में निर्वाचन विभाग से सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, जिसके चलते नामांकन पत्र निरस्त किया गया। हाल ही में बर्खास्त चौधरी ने राजनीति के साथ नई पारी की शुरुआत करते हुए बसपा के टिकट पर नामांकन भरा था। अयोग्यता के प्रावधान के तहत केंद्र या राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार या अन्य किसी भी आधार पर सेवा से बर्खास्त अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसी के चलते उनका नामांकन रद्द किया गया है। और असल में जिस प्रकार से अपनी दहाड़ देने का प्रयास किया है, आज 10 अप्रैल को स्क्रीनिंग के दौरान ये बताया गया कि पंकज चौधरी जो लोकसभा के प्रत्याशी बसपा के कैंडिडेट हैं उनका नामांकन रद्द किया जाता है। आर ओ बाड़मेर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्टिफिकेट इशू करना था, वो इशू नहीं किया है। इसमें मैं इतना बताना चाहूँगा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई अधिकारी या कोई ऐसा कर्मचारी जो सेवा से मुवूक होता है वो चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ना एक समान नागरिक का अधिकार है। चूँकि एक सर्टिफिकेट इशू होना था, इस सर्टिफिकेट की जानकारी होने पर मैं 1 अप्रैल 2019 को निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय सचिव से मेरी मुलाकात हुई, मैंने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैं निवेदन। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।